वेलकम न्यू व्लॉग। तो यार वेलकम कर दिया है मैंने न्यू व्लॉग में। तो इतने दिनों बाद तुम लोग कह रहे होगे कि इतने दिनों बाद दोबारा मैं मतलब यानी कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है इतने दिनों बाद। तो मतलब मुझे व्लॉगिंग का एकदम कैसे याद आया, इतने दिनों बाद व्लॉगिंग का मुझे कैसे याद आ गया कि यार मैं व्लॉगिंग करना भूल ही गया। मतलब यानी कि मैंने दोबारा इतने दिनों बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो यार तुम सबका वेलकम हो गया न्यू व्लॉग में। तो मतलब इनके मेरे ख्याल से मैंने 12 रविवार के बाद व्लॉगिंग घर से छोड़ी थी, तो छोड़ी छोड़ी मैंने व्लॉगिंग दोबारा की नहीं। उतने दिनों बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो वेलकम कर दिया है मैंने तुम सब लोगों के लिए। तो उतने दिनों बाद व्लॉगिंग करके क्या खुशखबरी है तुम लोगों को बताते हैं, न्यू अपडेट दे देते हैं। मतलब तुम लोग दे सकते हो हमारा वही, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल कह रहा हूँ हमारा वही सेटअप है पिंजरों का। और तुम लोग देख सकते हो इस टाइम रात हो चुकी है, तो अंधेरा हुआ है, तो सारे हमारे तोते बिंदे सो रहे हैं। हमारा वही सेटअप है वो वाला, तारे तोते बिंदे सो रहे हैं, तो पर्दा हमने आगे डाल दिया है ताकि हमारे तोते बिंदे सारे सोते रिलैक्स हो गए। तो आज एक न्यू अपडेट ये है कि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम पहले डक्स के बेबीज लेके आए थे, उनमें से 2 डक्स के बेबीज थे, 1 डक का बेबी मर गया था, तो वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। उसके बाद मैं व्लॉगिंग मेरे ख्याल से नहीं कर पाया, तो फिर दूसरे डक के अपडेट भी दी थी मैंने, तो वो दूसरा डक का भी बच्चा मर गया था। तो हम काली डक लेके आए थे, वो माशाल्लाह हमारी डक बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, बाकी हमारी डक का बच्चा मर गया था। तो हमने काली डक के साथ हमने डक के बहुत ज़्यादा छोटे बॉर्न बेबी भी लेके आए थे। मतलब यानी कि एक होता है कि डक का बड़ा बच्चा, मतलब इनकी पूरा पूरा बड़ा बच्चा डक का, वो हमारा छोटा सा डक का काली इतनी बड़ी डक हो चुकी है, मैंने डक बन रही है, तो उसका मतलब कि हम लेके आए बॉर्न बेबीज। मतलब इनकी 1-2 दिन के 3 दिन के बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे डक के। तो उन लोगों को दिखाते हैं, ये वो सामने पिंजरा है डक्स का। तो डक्स को इस टाइम बहुत ज़्यादा भूखी थी, मैंने उनको दाना डालते हैं अभी। तो अभी तुम लोग को दिखाते हैं कि ये है मेरी बड़ी डक, तुम लोग देख सकते हो जो पहले हमारे पास डक थी वो मर चुकी थी। तो ये एक पलगी हमारी, तुम लोग देख सकते हो कितनी बड़ी हो चुकी है हमारी डक। ये तुम लोग देख सकते हो काली डक है, तुम लोग देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा बड़ी हमारी हो चुकी है डक। तुम देख सकते हो भूख के लिए कितनी बिलबिला रही है, मतलब यानी इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कितनी बिलबिला रही है। तो मतलब यानी कि इसके तुम लोग को दिखाते हैं बहन भाई, इसके बहन भाई कौन से हैं यार। वो मतलब यानी कि 1-2 दिन के बच्चे हैं डक के, वो मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। पिछले दिनों डक शॉर्ट हुई थी, डक नहीं आ रही थी, तो नई नई डक आई है, बहुत छोटे छोटे 2-3 दिन के बॉर्न बेबी हैं, 1-2 दिन के हैं बच्चे हैं। उन्हें दिखा सकते हैं इसके बहन भाई, तुम लोग देख सकते हो कितना छोटा ये डक का बच्चा है। तुम देख सकते हो जो डक कर रही है वही कर रहा है ये डक का बच्चा। तुम देख सकते हो करीब से तुम लोग कैमरे में दिखा रहे हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, सीरियसली दिखाऊँ मतलब इनकी ये डक है उसके बराबर ही बहुत ज़्यादा डक का बच्चा छोटा है। मतलब इनकी तुम लोग उसकी चोंच देख सकते हो, पहले इसकी चोंच देखो और तुम यहाँ देखो इसकी चोंच, उसकी चोंच देखो और इसकी चोंच देखो, तुम लोग कितना फ़र्क है। तुम ले सकते हो ये, तुम ले सकते हो कितना छोटा और कितना क्यूट डक का बच्चा चल रहा है, ग्रे कलर का और वाइट ब्लैक 3 कलर इसमें मिक्स है। मतलब इनकी जो उसकी चोंच है वो बड़े की, तुम लोग पहले बड़े की चोंच देखो, बड़े की चोंच और फिर उसके बाद लोग छोटे की चोंच देखो। बहुत ज़्यादा तुम्हें कैमरे में बड़ा लग रहा होगा मगर ये बहुत ज़्यादा बच्चा का छोटा बच्चा है। और ये 2 हैं, एक तुम लोग देख सकते हो येलो कलर का क्यूट है, वो बड़े होकर वाइट हो जाते हैं मगर बहुत ज़्यादा येलो कलर का क्यूट बच्चा है, तुम लोग दिखाते हैं। तुम लोग देख सकते हो वो देखो, तुम लोग पीछे इसके छुपा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा येलो कलर का क्यूट बच्चा है। इसके ये ब्लैक कलर के बहन भाई हैं, ये इसका तकरीबन ट्विंस भाई है, बहुत छोटा तुम लोग देख सकते हो। और तुम देख सकते हो इसके पीछे वो भाग रहा है, ये तुम देख सकते हो कैमरे में तुम लोग बड़ा लग रहा होगा मगर तुम देख सकते हो इसकी पिंक चोंच। और ये बहुत 2 दिन का बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है। तो ये हैं हमारे डक्स के बहन भाई, बहुत छोटे छोटे। तो डक शॉर्ट हो गई थी, पिछले दिनों हम ला नहीं पाए, अब इसके साथ हम बड़ी डक भी लाएंगे, 2 बड़ी डक और 2 हमारे पास छोटे डक हो जाएंगे। इसको हम ना लाएंगे बड़ी वाली को सुबह, और हमने छोटे वाले को नहीं नहाना, ये छोटे वाले देख सकते हो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मैंने कहा छोटे वाले को नहीं नहाना, बहुत ज़्यादा छोटे डक के बच्चे हैं, तो जगह हम नहलाएंगे इनको, तो बीमार होने का इनका बहुत ज़्यादा डर है, तो एक्सपायर भी हो सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट भी अगर हम इनको नहीं लाएंगे तो। तो यार ये छोटा सा व्लॉग है, तुम लोग को एक नई खुशखबरी दिखाते हैं कि हमने फाइनली अपने तोतो परिंदों को दाने को और तोतो परिंदों को पूरे सेटअप दाने की सेट कर लिया है। फाइनली तुम लोग देख सकते हो ये है हमारे तोतो परिंदे के दाने का डब्बा, ये और ये है सनफ्लावर सीड का डब्बा, गलती से हो गया, ये सनफ्लावर सीड का डब्बा है,
इसमें सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के बीच हैं। और ये डब्बा तुम लोग देख सकते हो कंगनी का है, ये सॉफ्ट फूड का, ये काले चने का, और ये सॉफ्ट फूड भिगोने के लिए, और ये मकाई का। सारे डब्बे हो चुके हैं, बम्बू भी रख लिया है, 14 नंबर भी आ गया, मतलब कि पीसी भी 14 नंबर पूरा सारा कुछ हमारे पास इस टाइम आ चुका है। तो मतलब यानी कि हमारे तोते के दाने का भी सेटअप बन चुका है। तो यार वी आर बैक न्यू ब्लॉग, तो न्यू ब्लॉग हमने वी आर बैक दोबारा स्टार्ट कर दिया है। और जिसने मेरी पेरेंट्स इंफॉर्मेशन की वीडियो नहीं देखी वो नई अपलोड कर दी है, जल्दी से जाके देखो। बाकी यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करने पहले के बाद ना, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।